नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग सोशल मीडिया पर कुछ अजीब सी पोस्ट डाल रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है, हजारों भारतीय छात्र वहां फंसे हैं। हमें संवेदना है उनसे, उनके परिवारों से। हम जानते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है, भारत सरकार प्रयासरत है, एयर इंडिया लगातार अपनी सेवाएँ दे रहा है, एयरफोर्स भी अपनी सेवाएँ दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ बेशर्म लोग बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि उनसे यूक्रेन से भारत लाने के लिए दुगना किराया वसूल किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप भारत सरकार से पूछकर यूक्रेन गए थे? क्या जब आप यूक्रेन गए थे आपका किराया भारत सरकार ने दिया था? क्या जो आप डॉक्टरी वहां पढ़ रहे हैं उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने भारत सरकार के साथ किया है कि आप भारत आकर अपनी डॉक्टरी सेवाएं मुफ्त में भारत में देंगे? आप वही लोग हैं जो लाखों रुपया खर्च कर यूक्रेन से डॉक्टरी करेंगे, उसके बाद भारत में क्लिनिक खोलेंगे और हजारों रुपये फीस चार्ज करेंगे केवल एक विजिट का। आप लोगों को एहसानमंद होना चाहिए भारत सरकार का कि ऐसी स्थिति में भी वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं पलट रहा, वो आपको हर रोज रेस्क्यू करने के अलग अलग प्रबंध कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको एयर इंडिया पर इस तरह की तोहमत लगाते हुए, जो अपने पायलट्स की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। और आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, रेनू जी जिन्होंने ये पोस्ट डाली कि उनसे दुगना किराया वसूल किया जा रहा है, आप लोगों से तो चार गुना किराया वसूल किया जाना चाहिए, इनफैक्ट 10 गुना वसूल किया जाना चाहिए। और जब तक आप जिए तब तक आपको भारत सरकार और एयर इंडिया को एक लोन की तरह रकम चुकानी चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी अब कर्जदार है भारत सरकार की, एयर इंडिया की, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर आपको यूक्रेन से निकालने का संकल्प लिया है। दिन रात सोचा जा रहा है कि किस तरह से आपको यहाँ लाया जाए, किस तरह से आपको वहाँ से निकाला जाए, और आप बेशर्मों की तरह सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल रहे हैं कि आपसे दुगना किराया वसूल किया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी, मेरी आपसे एक अपील है, जब ये लोग भारत आ जाएं, तब इन लोगों से एक रकम की तरह एक लोन वसूल किया जाए, इन्हें एहसास करवाया जाए कि अब तुम्हारी जिंदगी भारत की कर्जदार है, क्योंकि अगर हम ना होते तो तुम यहाँ ना होते। भारतीय होने के बावजूद आप अपने देश पर इस तरह का लांछन लगा रहे हैं, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। मैं कोई वीडियो बनाने वाला कोई व्लॉगर नहीं हूं, ना ही मुझे किसी तरह की कोई प्रसिद्धि चाहिए। एक भारतीय होने के नाते अपने देश के प्रति संवेदना रखता हूं, अपने देश के प्रति सचेत हूं, अपनी सरकार के प्रति सचेत हूं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र बना रहना चाहिए, ऐसा वाजपेयी जी ने कहा था। मेरा अपना भी कोई यूक्रेन में है, अभी तक फोन पर उससे बात नहीं हुई है, लेकिन हमने इस तरह का कोई वाहियात पोस्ट नहीं डाला है, ना ही हम डालेंगे। हमें यकीन है भारत सरकार के प्रयासों पर कि वो एक एक भारतीय को सुरक्षित वहां से निकाल लेगी, और अगर इसमें किसी तरह की कोई हानि होती है, चाहे वो मेरा अपना ही है, तो इसमें भारत सरकार का कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो प्रयास कर रही है। और हम सैल्यूट करते हैं भारत सरकार के ऐसे जज्बे को जो युद्ध की ऐसी स्थिति में भी हमारे साथ खड़ी है, हमारे परिवारों के साथ खड़ी है। तो आप भी साथ दीजिए, इल्ज़ाम मत लगाइए, कम से कम इस बात को समझिए कि वो जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भारतीय हैं, वरना कब का आपको वहीं छोड़ दिया होता जिस तरह से आप भारत छोड़कर यूक्रेन में डॉक्टरी करने चले गए थे। जय हिंद।